हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से हर एक अपडेट आपको विद इन मिनट दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेंगी। यहाँ पे आज हम एक ऐसी वीडियो लाए हैं ताकि काफ़ी सारे लड़कों के मन में ये सवाल रहता है कि किस टीचर से मैथ्स पढ़ा जाए, कौन कैसा पढ़ाएगा। कोर्स लेने के बाद कई लोग सोचते हैं कि इन टीचर्स का नहीं लेना चाहिए, इनका लेना चाहिए। क्या कुछ चीज़ें हैं उनको, उनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे आपको। और आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे हर एक टीचर्स के बारे में, जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपके मैथ्स को सही करने में। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ शुरू करते हैं गगन प्रताप सर को। आपको पता है गगन सर के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देंगे गगन सर का जो कोर्स है वो कैरियर व्हील ऐप पर मिलता है, ठीक है। इनकी डेमो वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। इनके खुद का चैनल है गगन प्रताप मैथ्स के नाम से, मैथ्स बाई गगन प्रताप के नाम से, तो वहाँ से ले सकते हैं इनके, इनका जो चैनल है यहाँ से। और इनको अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं तो ये इनका जो कोर्स मिलता है वो रैंकर्स गुरुकुल पे है। इनका नाम है आदित्य रंजन सर, ये हैं राजेश नेहरा। इन टीचर्स को काफ़ी कम लोग जानते होंगे राजेश नेहरा को, लेकिन जो जयपुर से हैं उनको पता होगा, वो इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये राजेश नेहरा सर हैं, मदर्स एजुकेशन हब जो लोग जानते हैं उनके फाउंडर हैं। ये हैं आरबी कट ऑफ मैन, आरबी वाले शुभम जैन सर, ये खुद एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। रैमो सर, एग्ज़ामों पे इनकी क्लास चलती है, कैरियर व्हील पे राकेश यादव सर की। और ये हैं अब्बास सैनी, इनकी जो क्लासेस चलती हैं, इनका यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाई अब्बास सैनी, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ये हैं पवन राव, ठीक है, मैथ्स बाई पवन राव इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पवन राव सर्च करेंगे तो आप आ जाएगा चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गगन प्रताप सर के बारे में। तो गगन प्रताप सर के बारे में ये चीज़ें जान सकते हैं कि आप इनकी जो क्लासेस होती हैं, इनके पास मैटर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मैटर है, काफ़ी अपडेटेड मैटर भी इनके पास रहता है, क्वेश्चंस के भंडार इनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन जितने भी एसएससी में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस इनके पास रहते हैं, पूरा कलेक्शन इनका अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, और अच्छे तरीके से कराते भी हैं, ठीक है। ठीक है, इनके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये ज़्यादा बेसिक के ना होकर ज़्यादा ट्रिक यूज करते हैं। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बताता हूँ, बेसिक से ज़्यादा ट्रिक यूज करते हैं ये अपने कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। और जिनकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी है वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम एक और बात करेंगे, दूसरे नंबर हम ले चलेंगे आपको पवन राव सर के बारे में। इन दोनों में मैं कंपेरिजन कर रहा, और ये दो टीचर्स जो हैं ये मदर्स के टीचर हैं, राजेश नेहरा सर और पवन राव सर, इन दोनों में इनका जो है इनका कॉन्सेप्चुअल काफ़ी अलग है। वो इनके पास भी अपडेटेड मटेरियल रहता है, लेकिन ये जो है चीज़ों को बेसिक से पढ़ाते हैं। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी है तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को ले जाते हैं आपको, एक्स मेथड भी, और हर एक तरीके से आपको बोर नहीं होगा। मैथ्स जो, अगर इनका मैथ्स बिल्कुल भी लो है तो इन लोगों को प्रीफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक भी ये बताते हैं। तो इन दोनों के कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। दूसरे इनके बारे में बता दें, आदित्य रंजन सर जो रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते हैं, इनके भी क्लासेस काफ़ी अच्छे हैं, इनके भी मैथ्स काफ़ी अच्छे हैं। ये भी सीजीएल 19 में एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब से चयनित हुए हैं। इनकी भी मैथ्स की अच्छी है, अच्छे तरीके से बताते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली लोग इनके बारे में ऑलरेडी पता होता है इनके बारे में। इनका जो कोर्स है कैरियर व्हील पे आप ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं रैमो सर भी काफ़ी अपडेटेड और काफ़ी क्रीमी कंटेंट लाते हैं। रैमो सर ऑथेंटिक चीज़ें हैं, शॉर्ट चीज़ें, किसी भी बड़े मेथड को शॉर्ट मेथड में लाते हैं ये रैमो सर। ये मैथ्स भाई अब्बास सैनी हैं, इनके बारे में भी आपको पता होगा। इनका जो कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे कि किसी चीज़ में नए थ्योरम को मतलब जम देने, एक तरीके से मान सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट हो गया उनको कितने इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकता है, तो ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। इनका टॉप 100 बैट्स भी आता है सुपर 100 करके, तो वो भी अच्छा है। ये जो है ये है आरबी रेगुलेशन इनका चैनल है। शुभम जैन सर, ये एक्साइज इंस्पेक्टर भी हैं, इनके ये एसएससी के मामले में सबसे ज़्यादा चीज़ें अपडेटेड रखते हैं। एसएससी में इनको एक तरीके से कट ऑफ मैन भी है, एसएससी का कट ऑफ इनके जो प्रेडिक्शन रहता है वो काफ़ी मैच करता है, ठीक है। तो बात करते हैं अब कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको मैथ्स
अगर थोड़ी बेसिक सही है, आपकी बेसिक अच्छी है, तो आप गगन प्रताप सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से सारी चीज़ें सीखनी है, अगर मैथ में आपको कुछ नहीं आता और नीचे से ऊपर तक जाना है, तो आप इन दो टीचर्स में किसी को फॉलो कर सकते हैं, राजेश नेहरा सर और पवन राव सर को। ठीक है, ठीक है, ये भी हैं आदित्य रंजन सर, इनके भी कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, ये बेसिक टीचर ये भी हैं आपको, राकेश यादव सर भी। ठीक है, और बाकी ये लोग भी अपने अपने जगह पे ठीक है। तो आप जो अभी सबसे ज़्यादा कोर्स अगर बेचने की बात करें, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कोर्स गगन प्रताप सर का बिकता है मैथ्स में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बेसिक थोड़ी भी इधर उधर है, बेसिक्स अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, अगर इनके डेमो वीडियो देखना चाहते हैं, तो पवन राव सर के यूट्यूब चैनल पर जाके इनके मेंसुरेशन और ज्योमेट्रोमेट्री देख सकते हैं, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये राजेश नेहरा सर के भी वीडियो इनके चैनल पर अवेलेबल है, या ये वाईफाई स्टडी पर भी पढ़ाए हैं कुछ दिन, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सर्च कर सकते हैं कि राजेश नेहरा वाईफाई, तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें। इनमें ये खासियत है कि इनके यूट्यूब और क्लास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, वे ईमानदारी से पढ़ाते हैं। इनकी अगर मैथ थोड़ी आपकी सही है, तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी हर टीचर के बारे में आपने एक ब्रीफ आइडिया लिया, तो होप करेंगे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है किसी टीचर को आहत करना, एक जनरल व्यू हम दे दिए आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो। और कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।